हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का? तो आज जो है वो है पीर का दिन। मैंने संडे को भी ब्लॉग की मॉर्निंग शूट करी, फुल डे नहीं बना पाई मैं ब्लॉग। ठीक है, मैंने काफ़ी सारी यानी कि दिन में से मैं काफ़ी सारी शूटिंग कर रही थी, ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं कर नहीं पाई। बनाए हैं मॉर्निंग, डे नहीं शूट किया। जो हुआ वो मैं इसमें छोटे छोटे से क्लिप्स हैं वो मैं लगा दूंगी। और आज है पीर का दिन, तो आज मशीन लगा ली मैंने, क्योंकि आज थोड़ा पानी आना है। कराची वाले पानी की अहमियत को बहुत अच्छे से समझते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो अब हम मैं रख दूँगी, मैं कपड़े धुल चुके हैं, थोड़े से एक चक्कर के कपड़े थे और बाकी मरियम के थे, वो धुल चुके हैं। अब जो है हम मशीन को रख देंगे अब उसकी जगह पर। सॉरी, ये मशीन का भी ना मेरा दिवाला निकल चुका है, लेकिन मैं ले यूँ नहीं रही हूँ। दिलाने को तैयार है मेरे हस्बैंड, लेकिन मैं ले यूँ नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे जो मशीन चाहिए ना वो चाहिए ऑटोमेटिक। हाँ, तो मुझे वो वाली ही मशीन चाहिए। मेरी मरियम उठ चुकी है, उठ चुकी है, पर ज़रा सी देर में उठेगी तो लाइट खोल दूंगी मैं रूम की। तो मुझे वो वाली वॉशिंग मशीन चाहिए, इसकी वजह से ना मैं वॉशिंग मशीन ले नहीं रही हूँ, इसलिए मैं वो इतनी ख़राब मशीन भी चलाई जा रही हूँ। तो जब मैं कपड़े धो लेती हूँ तो लास्ट में जो पानी बचता है उसके अंदर मैं पोछा धो लेती हूँ। उससे पोछा अच्छे से अंदर जो डस्ट होती है वो तो हम खंगालते हैं ही, लेकिन जो अच्छे से अंदर से डस्ट होती है ना वो अच्छे से निकल जाती है। इसकी अच्छे से करती हूँ। ज़्यादा मेरी बातों को ना ज़्यादा होल्ड नहीं किया करे, इग्नोर। यानी कि बहुत अगम शोर में बोलती हूँ, क्योंकि बोलने की आदत ख़त्म हो गई है ना, तो आस्ते आस्ते वापसी से मैं डाल रही हूँ अपने अंदर अच्छे से बात करने का। तो पोछा धो लिया करें तो ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा। ये एक अच्छी टिप है, लास्ट में आप धो और फिर पोछा मारोगे ना, यानी कि हम जो धोते हैं ना नॉर्मली पोछा, वो सही से क्लीन नहीं होता, लेकिन एक दफ़ा वॉशिंग मशीन में डालें तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो ये मेरा पोछा धुल चुका है। अब मुझे सिर्फ करना है क्या है, मेरी घर की काफ़ी सारी सफाइयाँ तो हो चुकी हैं। एक इशू, हमारे बेसन का पानी इस नाली से आया था, क्योंकि हमारा फर्श सही नहीं डला था। अब मेरी मरियम उठ चुकी है, अब हम आप हमारी मरियम के रोने गाने सुनिएगा। लीजिए मरियम, हाय करो, हाय। नहीं करोगी? क्यों क्यों नहीं करेगा मेरा मुन्ना? कर दो, बोल अस्सलाम वालेकुम। मैंने सारा काजल फैला लिया अपना, एक आंख का काजल खत्म हो गया, कोई फायदा ही नहीं हुआ। अब मैं दिन में 3-3 टाइम कपड़े बदलती हूँ, है ना? अब मेरा काम करना बहुत मुश्किल का काम है। पप्पा कर लो, यहाँ पप्पा करो, पप्पा कर तो करो एक दफा। हाय हाय, मेरी बेटी ने आप सब लोगों को पप्पा दिया। चलो अभी मैं इसको ज़रा पेम्पर कर लूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो मरियम दोबारा सो चुकी है, उसे वो शायद कच्ची नींद में उठ गई थी, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम हुआ। इस चक्कर में मैंने सोचा जल्दी जल्दी से काम निपटाऊँ फटाफट, तो मैं जल्दी से पहले कपड़े खंगाल लेती हूँ, सही है? क्योंकि ये कपड़े अगर मैंने नहीं खंगाले ना, तो इस चक्कर में मरियम के जैसे कि होता है ना, क्या कहते हैं, वो उड़ गई, तो कपड़े खंगालना मुश्किल होगा। बाकी पोछा वगैरह लगाना, उठाए धराए करना थोड़ा आसान हो जाएगा। सो अब मैं अपने कपड़े वगैरह का और पोछा तो लगा चुकी हूँ, लेकिन जो एक्स्ट्रा डस्टिंग वगैरह है वो अब मैं करने जा रही हूँ। ये थैली तो जब ही सुनतेगी जब वो लोग आके सामान लेके जाएंगे अपना, और ये कूलर भी उन्हीं का ही है, ससुराल का ही है। ये हथौड़ी है जिससे मैं थोड़ा सा काम करती हूँ, क्योंकि वो काम ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होने वाला है इस हथौड़ी से, तो वो काम करना पड़ता है मुझे। तो ये तराजू रख दी इसी से, ठीक है। अब ये रखती है, ये जो है ये वाइप्स का है, ठीक है, ये वाइप वालों का है। मैंने सोचा था इसको ना मैं उसमें लगा दूँ, मरियम बड़ी हो रही है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है इसको डस्टबिन में डालो इसको लगाने का। अब जो बचा है वो सिर्फ डस्टिंग बची है। ये मेरे तकिए का पुनरा पुनरा निकल गया, पुनरा, तो इस पुनरे को मैं फेंक दूँगी, क्योंकि अभी इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब मैं बेडशीट आई थी ना
तो मैं बहुत खूबसूरत सी बेल खरीद के लाई थी सिर्फ तकियों पे लगाने के लिए, लेकिन वो वॉशिंग मशीन में धोते धोते ना तो सब ख़राब हो चुकी है। तो अब मैं आपको एक आसान सा हल बताती हूँ, ठीक है? ये मुझे लगता है आसान, बाकी मैं आप लोगों को कैसे कहूँ। ये जो है वाइप्स, इसके पेपर भी बहुत अच्छे होते हैं, क्या नाम है इसका, बोनी पापा के पेपर भी अच्छे होते हैं, लेकिन ये बोनी पापा के पेपर ना मरियम को रास नहीं आए थे, इससे ना रैशेज हो गए थे मरियम को, तो फिर हमने केयर बेबी के मंगाए थे, लेकिन इसके वाइप्स बहुत अच्छे हैं, तो मैं यही वाइप लेती हूँ जिससे ना मैं अपनी डस्टिंग वगैरह सब कर लेती हूँ। तो अब जो है मैं करके काम वाम करके फारिग हो गई थी, लेकिन मुझे वही एज यूजुअल मरियम ने बहुत तंग करा, मरियम में लगना पड़ गया मुझे, तो इसलिए खाना बनाने में थोड़ी सी लेट हो गई, हस्बैंड आए हैं तो मैं खाना बना रही हूँ। खाने में ज़्यादा कुछ नहीं कर रही, मैं सिंपल मसाला भून के चिकन डालूँगी इसके अंदर, और एक तरफ चाय दूध गर्म हो रहा है, दूसरी तरफ चाय बन रही है, जो ये मसाला भून के मैं बना रही हूँ, ये भी बहुत मज़े का होता है, सालन बनता है इसका भुना हुआ, काफ़ी टेस्टी होता है, तो आप देखिएगा बन आप, मैं आपको दिखाती हूँ, आपको मैं इसकी रंगत वगैरह दिखाऊंगी और बताऊंगी कैसा बना आपकी वाला आपका, यानी कि इस टाइम पे जरूर बना रही ये कैसा बना, अच्छा लगेगा आपको मेरे बात पसंद आए तो मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको इसकी रेसिपी बताऊंगी, ठीक है? तो मसाला हमारा, मैंने सोचा था मैं आपको मसाला भी दिखा देती हूँ, तो मसाला हमारा इस तरह से आएगा होगा, तब हम इसमें चिकन डाल देंगे, मसाला पूरा भुना हुआ नहीं होना, सिर्फ टमाटर वगैरह नरम होने चाहिए, चिकन में धोकर रखी हूँ उसमें मैंने ऐसे ही डाल दी है, धोकर हमें फ़ायदा रहेगा, कोई भी चिकन वो हमने कैसे डाल दी, देखिए ना पूरा मसाला भुना हुआ नहीं है, नज़र आ रहा है मसाला, बस इतने ही मसाले भून लेंगे हल्का सा, इसमें नमक डालना भूल गई हूँ, ये जो रेसिपी है ना ये घर पर जल्दी से तैयार होने वाली है, इसलिए मैंने ये बना लिया था ताकि इतना जल्दी हो जाए काम मेरा, और दूध हमारा नहीं हुआ है, चाय हमारी हो चुकी है, क्योंकि दूध जो होता है ना आप भी बताइएगा इस चीज़ का, वो एक चोर की तरह होता है, आँख बचती नहीं है और यूँ निकल जाता है, जब तक देखते रहो नहीं निकलता, जहाँ आँख बची नहीं वहीं दूध दिखाया होता, और मेरे साथ तो होता ही यही है, अक्सर यही होता है, मेरे हस्बैंड कहते हैं तू ये हरकत नहीं छोड़ेगी ना अपनी, मैं कहती हूँ मैं जानबूझ के नहीं करती, मैं एनी टाइम दूध पे सवार रहती हूँ, बस हल्की सी नज़र किसी भी काम की तरफ चली आती है ना बस दूध निकल जाता है इसके, तो आप ये देख सकते हैं इसमें हरा धनिया डाल सकते हैं, मेरे पास हरा धनिया ख़त्म हो गया था तो मैंने नहीं डाला, इसके अंदर आप कहेंगे कि प्याज साबुत नज़र आ रही है, वो नज़र आएगी, यही इसकी खूबसूरती है, समझ लीजिए आप, ठीक है? अब मैं निकाल रही हूँ अपने लिए सालन, आप ये देख सकते हैं बहुत मज़े का सालन होता है ये, इसे मैं टेस्ट करके ना आपको जब ये मैं ब्लॉग करूँगी बनाऊँगी तो मैं अब इसका टेस्ट आपको बताऊँगी कि मुझसे क्या चीज़ ज़्यादा हुई कम हुई या एकदम परफेक्ट था, ये सब मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? तो मैं अब इस वीडियो का एंड, इस व्लॉग का एंड यहीं करती हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे ना खुशी मिलेगी और मुझे अच्छा ना क्या कहते हैं उसे एक मोटिवेशन होती है ना वो मिल जाती है, तो वो मुझे अच्छा बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे करेंगे तो। थैंक यू सो मच मेरा व्लॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखें और बस अपना ख्याल रखें, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। रात में मैं अपनी बेटी की तैयारी जो करके सोती हूँ उसे लगती है 4 बजे से तकरीबन भूख लगना शुरू होती है, तो मैं ये दूध और ये सीरेलैक है दोनों, ये 3 फीडर्स हैं जो वो पी लेती है रात में, तो मैं इसमें सीरेलैक और दूध मिला के कैप लगा के रख देती हूँ सराने, और सराने रखने के बाद जब उसे भूख लगती है मैं फटाफट पानी मिलाती हूँ उसके अंदर और उसे दे देती हूँ, ये मुझे ज़्यादा इजी रहता है, इजी वे है, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ, जो मॉम्स होंगी उनको इजी रहेगा
उन्हें पता चलेगा एक नया तरीका, अगर नहीं पता तो नहीं तो बहुत मॉम्स तो बहुत अच्छी होती हैं, यानी कि उन हर चीज़ का साउंड क्या कहते हैं उसे हल ढूंढ लेती हैं, तो इसीलिए। लेकिन मेरा जो हल था वो मैंने सोचा आपको बताऊं, क्योंकि शुरू में मैंने बहुत प्रॉब्लम्स फेस की हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत नींद ख़राब होती थी और अंधेरा, बेडरूम में अंधेरा होता है तो फीडर्स में दूध बनाना और फिर उसके बाद वाटर डालना, आप सिर्फ इतना करना होता है कि हल्का सा पानी डाला और शेक किया और बेबी को पिला दिया, तो ज़्यादा परेशानी नहीं होती। तो अगर आपको अच्छा लगे ये तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इजी वे में लगे तो मैं बना के दिखाती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं इसके अंदर 1 स्पून जो है सीरिलैक है और 2 स्पून इसमें मिल्क है। तो इसके अंदर आप जो है, बोतल जल गई थी लेकिन घर में पिलाने लिए इसलिए नो प्रॉब्लम। तो इसके अंदर क्या करना, हाँ ये दूध जो बनेगा ना, इसके मेजरमेंट का है, ये है 2 स्पून का, यानी कि तो मैं इसका फीडर बनाती हूँ इसमें, क्योंकि इसमें मैंने 1 स्पून सीरिलैक भी मिलाया है। सीरिलैक मिलाने की वजह ये है, दूध में हर फीडर में होता है, क्योंकि मेरी बेटी जो है ना सीरिलैक वैसे नहीं कंज्यूम करती है, वो अगर मैं उसे बना के दूध में या पानी के साथ खिलाऊं तो वो नहीं खाती, तो मैं इसलिए उसके दूध में मिला देती हूँ और इस तरह से वो सीरिलैक खा लेती है। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा। तो ये थी मेरी नाइट रूटीन, अब मैं जाऊंगी सोने, तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग।